नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मुखियार वार्ड सदस्य नल जल योजना में कर रहे हैं बंदर बाट, जहां सरकार स्वच्छ पेयजल के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर हर घर नल जल योजना चला रही है, वहीं मुखिया और वार्ड सदस्य मिलीभगत से योजनाओं के पैसे का बंदर बाट किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के बिशनपुर पंचायत से प्रकाश में आया है, जहां वार्ड संख्या 11 में अभी तक लोगों को नल का जल नसीब नहीं हुआ है। योजना में काम के नाम पर घटिया किस्म के टॉवर खड़े कर दिए गए हैं, जिसकी टंकी तो दिख नहीं रही मगर टंकी में पानी नहीं है। इसको लेकर क्या कहते हैं ग्रामीण, आइए सुनते हैं। कब बना है ये, कितना दिन हो गया होगा लगभग बने हुए इसको? बना हो गया, साल लग गया। साल लग गया, अभी तक चलता नहीं है पानी? ना। अच्छा, इसका कौन नंबर वार्ड है ये? 11 नंबर। 11 नंबर का है। अच्छा, यहाँ का वार्ड सदस्य कौन है यहाँ का? दिलीप। दिलीप, क्या नाम हुआ ये? मेरा नाम हुआ उमेश कुमार कुशवाहा। कौन सा पंचायत है? बिशुनपुर पंचायत हुआ। कितना नंबर वार्ड में आपका घर? 11 नंबर में। अच्छा, नल जल का पानी मिलता है क्या? नल जल का पानी नहीं मिलता है, अभी तो काम पूरा ही नहीं हुआ है। अच्छा, क्या क्या काम कर दिया गया है? वहाँ पर टावर लगा दिया गया है, टंकी रख दिया गया है और बोरिंग भी हो चुका है, और वो भी सब घटिया ही सामग्री का हुआ है, कोई जायज सामग्री का नहीं हुआ है। ये बताइए, कितना दिन पहले टावर वहाँ बना? टावर बने तो 6 महीने से ज्यादा हो गया। अच्छा, पाइप वगैरह बिछाया गया है? पाइप वगैरह कुछ नहीं बिछाया गया। अच्छा, वार्ड सदस्य का नाम क्या है? वार्ड सदस्य का नाम हुआ दिलीप शाह। बोले, मैं बिशनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 नंबर का वार्ड अध्यक्ष बोल रहा हूँ। मुखिया पैसा डालने से पहले हमसे 10 गो चेक पर साइन करवा लिए और पैसा सब निकाल लिए, उसके बाद में मैंने कहते हैं बोरिंग सब फल गया है, कहते हैं पाइप बिछाने के लिए, तो कहते हैं आज करेंगे कल करेंगे, ऐसे करते करते हम लोग आज तक डार्क में रखे हुए हैं। अच्छा, मुखिया का क्या नाम है आपका? मैं सुमन कुमारी। अच्छा जी, कौन सा प्रखंड में पड़ता है? घोड़ासहन। अच्छा, पंचायत क्या हुआ? बिशुनपुर। अच्छा, कितना दिन पहले आपका नल जल का पैसा डलाया था? लमसम आज से नौ महीने पहले। नौ महीने पहले जी। अच्छा, लगभग कितना का योजना होगा आपका? योजना है 13,56,000 का। अच्छा, उसमें से आपको कितना मिला है? हमको बनिहारी तरफ से मिला है, बनिहारी मतलब लगभग कितना मिला? लमसम 50,000 रुपया मिला है बनिहारी के तौर जी। अच्छा, बनिहारी किस हिसाब से जोड़ के मिलता है आपको? जिसे वहाँ रहते हैं ना, काम कराते हैं वहाँ रहते हैं, वही हिसाब से देते हैं। जैसे नाला हुआ, नाला में काम हुआ तो वहाँ जैसे मिस्त्री लोग खट रहा है, जाना लोग खट रहा है, वैसे हम भी जब वहाँ पर चौकस हैं इसी हिसाब से मिलता है। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंकलाब टीवी चैनल की ओर से हमारे सभी तेलुगु और हिंदी व्यूअर्स को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। We wish you a very happy new year.